हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोबाइल से हम लोग थंबनेल को कैसे बना सकते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आज आप लोगों को लाइव पूरा अपना थंबनेल बना के दिखाऊंगा और फिर उसके बाद में आप लोग भी थंबनेल अपने थंबनेल को वैसे ही बना सकते हैं। गाइस, क्या होता है, वीडियो में जो थंबनेल होता है वो आपके वीडियो को बहुत ही इंगेजिंग बनाता है और सबसे ज़्यादा वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए आपका थंबनेल ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि गाइस, जितने भी हमारे व्यूवर्स होते हैं या जो भी हमारे वीडियो को देखना चाहता है वो क्या करता है, वो आपके थंबनेल को ही देखकर वीडियो पर क्लिक करता है। अगर गाइस आपका थंबनेल अच्छा बना है, क्रिएटिव बना है, तो गाइस आपके वीडियो पे ज़रूर क्लिक करेगा और आपका वीडियो वॉच करेगा। तो गाइस, ये थंबनेल का जो रोल है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके वीडियो में। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को थंबनेल एक अच्छा सा थंबनेल बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले थंबनेल बनाने के लिए आपके फ़ोन में पिक्सल लैब्स एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उसका होना ज़रूरी है। मेरे में पहले से पड़ा हुआ है पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा गाइस। तो चलिए मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। और गाइस, ओपन करने के बाद में आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कैंसिल, ओके, तो यहाँ से आपको कर देना है कैंसिल। तो गाइस, उसके बाद में कैंसिल करने के बाद में आपको इन तीन बिंदी पे जाना है। इस पे जाने के बाद में एक इमेज साइज़ वाला ऑप्शन दिख रहा है, इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पे जाके ये कस्टम वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और अपना थंबनेल साइज़ जो है वो कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद में गाइज आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये जो टैग्स आ रहा है गाइज, उसको यहाँ से डिलीट वाले पे क्लिक कर देना है और वहाँ से हटा देना है। तो गाइज, ये मेरा थंबनेल साइज़ का अब शेप जो है वो आ गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट वाला थंबनेल वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए गाइज, मैं सबसे पहले चलता हूँ ये शेप वाले ऑप्शन पे। और शेप वाले ऑप्शन पे चलने के बाद में आपको गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में गाइज आपको उसके पास वाले ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये ड्रॉ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉ वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइज यहाँ से आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में गाइज नीचे आपको दिख रहा है फिल इनसाइड, आप फिल इनसाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहाँ से क्या करना है, अब अपना जो ट्रांसपेरेंट वाला है उसको आप एक कट करेंगे गाइज। तो चलिए मैं गाइज इसको कट कर लेता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद में गाइज अब आपको इसको सेट कर लेना है आपको अपने फ़ोन में इसको सेट कर लेना है गाइस। तो चलिए मैंने इसको सेट कर लिया है। तो चलिए गाइस, ये हो गया है सेट। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको फिर इसी वाले ऑप्शन पे जाना है। और इस पे जाने के बाद में गाइस अब आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और अपना क्या कर लेना है, कलर को अपने सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइज, मैं ग्रेडियंट कलर पे चलता हूं। ये रहा मेरा ग्रेडियंट कलर। और इस पे चलने के बाद में गाइज अब आपको क्या करना है, अपना एक कलर बना लेना है या तो पहले से जो बने हैं कलर, अगर कोई आपको उसमें पसंद आ रहा है तो वहाँ से सेट कर लेना है। चलिए गाइज, मैं कोई सा कलर एक बना लेता हूँ। तो ये गाइज मैं आ गया हूँ कलर पे। अब कलर पे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लास्ट में दिख रहा है कलर, अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, आपको एक कलर सेट कर लेना है। तो चलिए गाइज, मैं अपना एक कलर जो है वो सेट कर लेता हूँ। चलिए गाइज, मैंने कलर एक सेट कर लिया है। और कलर को सेट करने के बाद में अब यहाँ से आपको कर देना है ओके। अब ये गाइज मैंने एक कलर को सेट कर लिया है। कलर को सेट करने के बाद में गाइज अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में गाइज अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको गाइज इस वाले ऑप्शन पे आना है। और इस पे आने के बाद में आपको लास्ट में कुछ शेडो, इनर शेडो, ये थ्री डी स्पेस करके कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं 3D स्पेस पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद में मैं गाइज इसको करता हूँ ऑन। और ऑन करने के बाद हमको थोड़ा सा 3D बनाना है। तो गाइज इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 30 कर लेंगे। और 30 करने के बाद में गाइस अब नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम, चलो इसको 30 ही रखते हैं। और 30 रखने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेट कर लेना है।
चलिए मैं इसको वन पे रख लेता हूँ। और गाइस इसके बाद में आपको इसको माइनस फोर का कर देना है। तो चलिए गाइस मेरा इतना हो गया है। इसके बाद में मैं इनर साइड पे चलता हूँ और इनर साइड पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपको इनर साइड जो है उसको आपको कर लेना है सेट। तो गाइस मैं बहुत हल्के से इनर साइड को सेट करूँगा। चलिए गाइस मैंने इतना इनर साइड को 16 कर लिया है, ऑफसेट को 16 कर लिया है, एक्स को और वाई को देखते हैं गाइस। वाई को मैंने -19 कर लिया है। अब गाइस उसके बाद में इस पर कर देते हैं क्लिक और यहाँ से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट गाइस इसके बाद में आपको क्या करना है, अब अपना एक शेप लगाना है। तो चलिए गाइस मैं शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, बढ़ा के मैं थोड़ा सा इतना पतला कर लेता हूँ इसको। तो गाइस आपको शेप को ऐसे ही लगा देना है यहाँ पे। और शेप को लगाने के बाद में गाइस अब क्या करना है, इसको आपको यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद में गाइस इसको आपको थोड़ा सा हल्के से तिरछा कर देना है गाइस, बस इतना सा कर लेना है आपको। तो गाइस इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब ये ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इस वाले को ऐसे पकड़ के इसको नीचे कर देना है गाइस। अब नीचे करने के बाद में आप लोग गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आ गया है, नीचे आ गया। अब ये क्या हो गया, अब ये अच्छा लगने लगा है। तो गाइस आपको इतना, आपने इतना जो है वो कर लिया होगा। और इतना करने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना है, इसको अगर ये वाला कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से इसको कलर बुक को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं इसको कलर देखता हूँ, कोई कलर जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कलर मैंने चूज़ किया था वही आपको कलर क्या एक बार रख के दिखाता हूँ। ये कलर मैंने चूज किया था, इसको मैं आपको कुछ इस और बताना है इसलिए मैं इसी को कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इस कलर को सेलेक्ट करने के बाद में गाइस आपको थोड़ा सा हमको इसमें इसको 3D बना लेना है। और 3D बनाने के लिए चलिए गाइस मैं 3D से पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद में गाइस अब मैं थोड़ा सा इसको, तो गाइस 3D वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको ऑन कर लेना है। और इनेबल करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे रोटेशन दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रोटेशन क्या करना है, आपको यहाँ पे रोटेशन कर लेना है इसको थोड़ा सा। और रोटेशन करने के बाद में गाइस आप देख सकते हैं मैंने इतना रोटेशन कर लिया है गाइस, आपको 44 तक रोटेशन इसका कर लेना है। और उसके बाद में गाइस आपको बस एक ही आपको रोटेशन लगाना है, वरना फिर चलिए गाइस मैंने इसको, मैं इतना ही रोटेशन इसका रखता हूँ। चलिए गाइस मैं इतना ही रोटेशन रखता हूँ। अब इतना रोटेशन रखने के बाद में गाइस उसके बाद में मैं चलता हूँ अपने टैक्स वाले ऑप्शन पे। और टैक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे लिख देना है, लिया है गाइस, अब इसको आपको कर लेना है सेट बिल्कुल। तो चलिए गाइस मैंने इसको कर लिया है सेट। तो गाइस मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसको सेट करने के बाद में हमको और थोड़ा सा लिखना है। अब आप लोग देख सकते हैं जो लिखना है मैं लिख रहा हूँ गाइस यहाँ पे। और आपको यहाँ पे इसको भी कर देना है सेट। तो चलिए गाइस मैं इसको भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। चलिए गाइस मैंने इसको भी सेट कर लिया है। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो चलिए गाइस मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया है। और लिखने के बाद में गाइस थोड़ा सा इसको भी कर लेना है सेट और थोड़ा सा कर देना है इसको बड़ा। तो चलिए गाइस मैंने इतना लिख लिया है। अब इसके बाद लिखने के बाद में अब हमको गाइस क्या करना है, इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा सेट करना है। चलिए गाइस मैं अब इसके कलर को क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, कलर पे क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें कलर, जो भी कलर हमें अच्छा लगेगा उसको हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। तो चलिए गाइस
एक बार येलो कलर को चूज करके देख रहा हूँ गाइज़, यहाँ पे येलो भी नहीं सही लग रहा है, तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे रेड कलर रखता हूँ। और रेड कलर रखने के बाद में गाइज इसको एक ओके कर देना है यहाँ से, और ओके करने के बाद में आपको यहाँ से स्टाइल लगा लेना है थोड़ा सा। और स्टाइल को ऑन करने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टॉर्क पे जाना है, और स्टॉर्क पे जाने के बाद इनेबल करके और यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको थोड़ा बहुत 9 तक, मैंने स्टॉर्क वाइट वेथ को 9 कर लिया है। तो गाइज़ आपको भी क्या कर लेना है, 9 कर लेना है। 9 करने के बाद में गाइज़ ये आप लोग देख सकते हैं, ये अब इस ये अच्छा लगने लगा। उसके बाद में चलिए गाइज़ मैं मोबाइल ये जो ऊपर लिखा है इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन पे चलूँगा, और कलर पे जाने के बाद में गाइज़ मैं इसको ब्लैक कलर से सेट करूँगा। और सेट करने के बाद में आपको गाइज़ स्टाइल पे जाना है, स्टाइल को कर लेना ऑन, और इस पर ऑन करने के बाद में गाइज़ आपको जाना है स्टोर पे। स्टोर पे जाने के बाद इसको इनेबल करके, और इनेबल करके वाइट कलर आपको भी यहाँ से भी सेट कर लेना है, बस वाइट कलर, और आपको वाइट कलर में 4 रखना है गाइज। चलिए मैं इतना कर लिया। उसके बाद में गाइज हमको करना है अब नीचे जो लिखा है इसको भी हमें सेट करना है। तो चलिए गाइज मैं नीचे जो लिखा है अब मैं इसको भी सेट करता हूँ। तो चलिए गाइज अब इस पर भी हमें लगाना है इस पर गाइज कलर। तो चलिए गाइज मैं इस पर कलर लगा रहा हूँ, और कलर को इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा वो मैं सेलेक्ट कर लूँ पहले। तो चलिए गाइज मैं इसको वाइट कलर में ही क्या करता हूँ रखता हूँ। तो गाइज वाइट कलर यहाँ पे सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टाइल को भी ऑन करके और यहाँ से स्टोर पे थोड़ा सा चलता हूँ और इसको ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद में इसको भी आपको 4 पे क्लोज़ कर देना है। तो चलिए गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मेरा थंबनेल जो है वो इतना बन के तैयार हो गया। इसके बाद में गाइज आपको अब क्या करना है, आपको जो लगाना है आप अपना यहाँ पर फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं अपना यहाँ पर फ़ोटो को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे अपने फ़ोटो को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में गाइज आपको आप चलिए गाइज मैंने फ़ोटो को कर लिया है सेलेक्ट यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। अब गाइज आपको एक काम और करना है, जैसे हमने कि फ़ोटो को सेलेक्ट किया है और फिर फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको केवल ऑन करता हूँ शैडो को। ऑन करने के बाद में गाइज इस पर जो कलर है वो मैं कलर ये वाला चूज करता हूँ, और चूज करने के बाद में गाइज आपको थोड़ा सा इसको कर लेना है ज़्यादा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है। चलिए गाइज मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं ये इतना बन के लग गया है। अब उसके बाद में गाइज आप अपना यहाँ पे लगा सकते हैं, आप जैसा कि आप YouTube का थंबनेल लगा सकते हैं, कुछ भी अब यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। YouTube का लोगो लगा सकते हैं यहाँ पे गाइज। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे YouTube का लोगो भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप गाइज यहाँ पे जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो गाइज उम्मीद है आप लोग ये इतना सीख लिए होंगे। अगर आप ऐसा भी थंबनेल बनाते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसके बाद में गाइज अब इसको करना है आपको सेव। तो चलिए गाइज आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद में गाइज नीचे लिखा है सेव एज आ इमेज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर कस्टम दिख रहा है ऑप्शन, कस्टम वाले पर क्लिक करना है। और आपको हमेशा अपने थंबनेल को अल्ट्रा में क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। अल्ट्रा को सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखा है सेव टू गैलरी, आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और आपका जो थंबनेल है वो गैलरी में आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि थंबनेल को कैसे बनाना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहीं पे अगर कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।